खाने के साथ पानी पीना है कि नहीं पीना है, कब खाने के पहले कितनी देर पहले पानी पिया जाए, खाने के कितनी देर बाद पानी पिया जाए, और खाने के बीच में अगर पानी पीना है तो वो क्या काम करता है। बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हम तो खाना खाते समय पानी पी लेते हैं, हम तो खाने के पहले पानी पी लेते हैं, खाने के बाद गर्म पानी पीना है, खाने के पहले ठंडा पानी पीना है कि नहीं पीना है। ये जितने भी प्रश्न हैं, आज इन सारे प्रश्नों का समाधान शास्त्रोक्त जो है, जो पुराने समय से बोला गया है, उसके हिसाब से समझाने का प्रयत्न करूंगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आगे जब भी वीडियो बनाया जाए नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे, ताकि स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से आप अच्छे तरीके से अवगत हो जाएं। हम देखेंगे पानी के लिए जो भी चीजें कही जाती हैं वो कहां तक सही हैं। पानी के लिए सबसे पहले कहा जाता है कि पानी कब पीना चाहिए, अजीर्णे अजीर्णे भैषजम वारी, अजीर्णे भैषजम वारी जीर्णे वारी बल प्रदम। भोजने च अमृतम वारी, भोजनान्ते विषम प्रदम। ये जो कहावत है, इस कहावत का मतलब क्या है, आज हम प्रॉपर तरीके से इस कहावत को समझेंगे। तो अजीर्णे भैषजम वारी, अजीर्णे भैषजम वारी का मतलब है कि अजीर्ण की अवस्था, अजीर्ण की अवस्था का मतलब होता है जब खाना आपका पचे नहीं। तो अगर अपच की अवस्था में, अपच खाना पचा नहीं है, ऐसी अवस्था में अगर आप वारी मतलब जल लेते हैं, तो वो जल कैसा काम करेगा, भैषज, भैषज का मतलब औषधि का कार्य करेगा। अगर आप कब पानी कब जल लेते हैं, अपच की अवस्था में, अजीर्ण की अवस्था में। अजीर्ण मतलब जो जीर्ण ना हुआ हो, जीर्ण होना आप देखते हैं ना, जीर्ण रोग कहा जाता है। तो जीर्ण रोग का मतलब क्या होता है कि जो अभी बिल्कुल जर्जर स्थिति में आ गया है शरीर, ऐसी स्थिति को जीर्ण बोला जाता है। तो भोजन जो आपने खाया वो अगर पचने के लायक हो गया है, टूट गया है, छोटा छोटा हो गया है, ऐसी स्थिति में तो उसको जीर्ण बोला जाता है। और अगर ऐसा ना हो तो ऐसी अवस्था को अजीर्ण की अवस्था बोला जाता है, अजीर्ण। तो अजीर्ण की अवस्था में अगर जल लिया जाएगा तो वो जल औषधि का काम करेगा। अजीर्ण का मतलब आपने खाना खाया, खाना पच नहीं रहा था अच्छे तरीके से, पेट फूल रहा था, ऐसे समय में आप दूसरे टाइम, आपका टाइम हो गया खाना खाने का, आप दोबारा खाना खा लो। तो अगर खाना खा लोगे तो क्या होगा, वो वारी जो है ना, भैंसज की जगह किसका काम करेगा। अगर खाना खाओगे, अजीर्ण की अवस्था में अगर खाना खाया जाएगा तो वो निश्चित ही विष का काम करेगा। भरे पेट भोजन, बिना भूख लगे भोजन अगर आप करेंगे तो वो आपके लिए नुकसानदायक होगा। लेकिन भरे पेट या बिना भूख लगे अजीर्ण की अवस्था अगर है, ऐसी अवस्था में अगर आप जल लेंगे तो वो आपके लिए औषधि का काम करेगा। क्लियर है। अब दूसरा, जीर्णे वारी बल प्रदम। जीर्णे वारी बल प्रदम का मतलब, जीर्ण मतलब जब खाना पच गया हो, जब खाना पच गया हो, आमाशय से धीरे धीरे करके नीचे उतरने की स्थिति में आ गया हो, तब फिर जब खाना पच गया हो, मतलब जीर्णे वारी, जीने वारी वारी मतलब जल, जब खाना पच गया हो ऐसे समय पर जल पीना क्या करेगा, बल प्रदम। बल प्रदम मतलब बलदायक होगा, बलदायक होगा, तो आपके शरीर में ताकत बढ़ाने का काम करेगा। तो जीने वारी बल प्रदम। अब तीसरा है, भोजने च अमृतम वारी। भोजने च अमृतम वारी का मतलब यहां जो कहा जाता है कि भोजन करते समय अगर आप थोड़ा जल का मतलब होता है 2-3-4 घूंट पानी अगर आप लेते हैं,
तो वो क्या करेगा, अमृत के समान काम करेगा। भोजन के समय, भोजन करते समय अगर आप थोड़ा थोड़ा पानी ले लेते हैं तो वो पानी आपके लिए अमृत के जैसा काम करेगा। लेकिन अगर इसी समय आप पानी की क्वांटिटी ज्यादा ले लेते हो, भोजन करते करते एक जग पानी पी लेते हो, तो फिर वो आपके लिए ठीक नहीं होगा, ये भी बिल्कुल कंफर्म है। तो भोजने च अमृतम वारी, अगर आप भोजन करने के बीच में पानी थोड़ा थोड़ा लेते हैं तो वो पानी आपके लिए अमृत के जैसा काम कर सकता है। लेकिन अगर आपने भोजन के अंत में पानी लिया, भोजनांते विसंप्रदम, भोजन के अंत में अगर आपने पानी ले लिया कि भोजन करके फ्री हुए थे और फ्री होते ही आपने पानी को दो ग्लास, तीन ग्लास, चार ग्लास, पूरा जग भर के, पूरा बड़ा लोटा भर के पानी पी दिया, तो फिर ये क्या होगा, भोजनांते विसंप्रदम, भोजन के अंत में अगर जल लिया जाता है तो वो बिल्कुल विष के समान आपके लिए नुकसानदायक माना जाएगा। इसलिए भोजन के अंत में पानी नहीं पिया जाना चाहिए। भोजन के अंत में कुछ लोग कहते हैं कि पानी गुनगुना करके भोजन के अंत में ले लो, गुनगुना करके पानी में नींबू डाल के भोजन के अंत में ले लो, वो आपके खाने को पचाने का काम करेगा। या फिर भोजन के अंत में आप नींबू का रस ले लो, काला नमक डाल करके वो खाने को पचाने का काम करेगा। या फिर भोजन के अंत में आप संतरे का, मौसम्बी का जूस पी लो, वो खाने को बचाने का काम करेगा। तो ऐसी स्थिति जो है वो रस के रूप में आप भोजन के रूप में, लिक्विड के रूप में आप भोजन के बाद कुछ भी ना लें। अगर आप लिक्विड के रूप में भोजन के बाद कुछ लेना ही चाहते हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बहुत ऐसी आवश्यकता है कि कुछ लिक्विड लिया जाए, तो फिर आप भोजन के अंत में क्या ले सकते हैं, भोजनांते अमृतम तक्रम, भोजन के अंत में अगर आपको बहुत ऐसा लगे कुछ लेना है तो तक्र लिया जा सकता है। तक्र मतलब छाछ, तो तक्र लिया जाए भोजन के अंत में, यह आपके लिए ठीक रहेगा। अच्छा, तक्र भी कितना लिया जाए, तक्र भी ऐसा नहीं कि भर भर के पी लिया जाए, तक्र भी एक कप मैक्सिमम एक ग्लास के रूप में आप तक्र ले सकते हैं। तक्र अगर आप ले रहे हैं, छाछ अगर आप ले रहे हैं, तो कोशिश करिए इसके साथ नमक का उपयोग ना किया जाए। बिना नमक की छाछ अगर आप लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत उपयोगी रहेगी। तो ये आप छाछ का उपयोग भोजन के बाद कर सकते हैं, अगर आपको ऐसा लगे कि आपको बहुत लिक्विड की आवश्यकता है। तो आशा है ये वीडियो आपको कि पानी कब पीना है, कब पानी को नहीं पीना है, पानी अगर पीना है तो कितना पीना है, ये चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप भोजन के बाद ठंडा पानी पी रहे हैं, कई लोगों की आदत होती है कि जैसे ही भोजन करके फ्री हुए ठंडा पानी जल्दी जल्दी पी दिया, तो वो क्या करेगा, जैसे ही आपके शरीर में भोजन जाता है, आपके आहार नाल में भोजन जाता है, अमाशय में भोजन जाता है, तो इस अमाशय में इस तरीके से भोजन जा करके अब पचने की व्यवस्था हो रही है, पाचक रस भोजन में आए हुए हैं, भोजन में मिलने का प्रयास कर रहे हैं, ऐसे में आपने यहां से पानी भर करके मुंह से ऐसे करके भर के पूरा भर दिया, तो ये पूरा घोल पतला कर दिया। और जैसे आप खिचड़ी बना रहे हो एक पतीली में, अब वो खिचड़ी उबलने के लिए तैयार हो गई थी, आप उसमें ठंडा फ्रिज का पानी लाके उड़ेल दो, तो फिर क्या होगा, फिर से ये खिचड़ी ठंडी हो जाएगी और फिर पकेगी तो जरूर थोड़ी देर के बाद, लेकिन उसका स्वाद बिल्कुल बिगड़ जाता है। ठीक ऐसे ही भोजन के तुरंत बाद अगर आपने पानी पी लिया ज्यादा मात्रा में, या फिर भोजन के बाद फ्रिज का ठंडा पानी पी लिया ज्यादा मात्रा में, कुछ लोग तो भोजन के तुरंत बाद बिल्कुल चिल्ड पानी पी लेते हैं फ्रिज में रखा हुआ, अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो निश्चित ही पाचन की व्यवस्था आपकी खराब होना चालू हो जाएगी। कई लोग ये देख करके ये कह सकते हैं कि पूर्वज तो ऐसा बहुत करते थे, तो पूर्वज नहीं करते थे कभी, बीच में जो स्थिति रही ना कि आज से लगभग जो 40 साल पहले के लोग थे वो इस व्यवस्था में ज्यादा नहीं पड़ते थे, लेकिन धीरे 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 करके जो लोग आए उन्होंने कि भाई ठीक है कोई नियम नहीं होते, चलो पानी पी लो, प्यास लग रही है तो क्या किया जाए, और पानी पीना चालू कर दिया, वो बीमार होना चालू हो गए। अब फिर वो इन सब चीजों को समझ रहे हैं कि हमारे यहाँ ऐसा कभी नहीं हुआ होता था, अब वो फिर से फॉलोअप पर आ रहे हैं तो फिर से ठीक हो जा रहे हैं। ठीक है, तो आपको ज्यादा मात्रा में पानी
ठंडा पानी भोजन के तुरंत बाद नहीं पीना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखें। तो ये पूरा का पूरा वीडियो पानी आपको कैसे कब कितना पीना है, क्या फायदा होता है, क्या नुकसान हो सकता है, सारी चीजें हैं, प्रॉपर तरीके से समझ में आ गई होंगी। अगर कोई चीज रह जाती है, कोई बात जो आपको समझ में नहीं आई हो, प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, आपके प्रश्न का समाधान किया जाएगा। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, धन्यवाद।